नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अयोध्या में तीन मस्जिदों के बाहर आपत्तिजनक पोस्टर और धार्मिक ग्रंथों के फटे पन्ने फेंकने के आरोप में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये सभी लोग अयोध्या जिले के ही रहने वाले हैं। पुलिस ने कहा है कि इनकी कोशिश इलाके में दंगा कराने की थी। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के नाम महेश कुमार मिश्रा, प्रत्युष श्रीवास्तव, नितिन कुमार, दीपक कुमार गौड़ उर्फ गुंजन, ब्रजेश पांडे, शत्रुघ्न प्रजापति और विमल पांडे हैं। पुलिस 4 अन्य अभियुक्तों की तलाश कर रही है। इन सभी के खिलाफ IPC की धारा 295 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक इन लोगों ने पूरी योजना के बाद ही घटना को अंजाम दिया गया। इन सभी पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि NSA के तहत कार्रवाई की जाने की बात भी सामने आई है। पुलिस ने कहा कि महेश कुमार मिश्रा इस मामले का मास्टरमाइंड है और वो अपने साथियों के साथ मिलकर दिल्ली में हाल ही में हुई घटना के विरोध में इस काम को अंजाम देना चाहता था। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हिंसा से किसी का भी भला नहीं होता है और हिंसा प्रिय समाज अपने अंतिम दिन गिरना है। उन्होंने सभी समुदायों को साथ लेने पर जोर दिया और कहा कि मानवता की रक्षा की जानी चाहिए। मोहन भागवत गुरुवार को महाराष्ट्र के अमरावती में साईं राजेश लाल मोडिया के गद्दी नशीन होने के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि अपनी बात रख रहे थे। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सिंधी समुदाय के लोग मौजूद थे। कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा कि हमारी बातें गलत हैं, किसी दूसरे का विरोध करती हैं, दुनिया में अशांति लाने वाली हैं, तो फिर हमारे लिए ये समय मर्यादित है। संघ प्रमुख ने अपने इस भाषण में अहिंसा पर जोर दिया और बीते कुछ दिनों में रामनवमी के मौके पर तमाम राज्यों में हुई सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं के मद्देनजर उनका ये भाषण काफी अहम है। अखिलेश यादव और मायावती के बीच जुबानी जंग जारी है। अब बसपा प्रमुख मायावती ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि जो अपना CM बनने का सपना पूरा नहीं कर सकते हैं, वो किसी दूसरे के PM बनने का सपना कैसा पूरा कर सकते हैं। मायावती ने एक के बाद एक 3 ट्वीट करते हुए कहा कि सपा मुखिया UP में मुस्लिम व यादव समाज का पूरा वोट लेकर तथा कई कई पार्टियों से गठबंधन करके भी जब अपना CM बनने का सपना पूरा नहीं कर सके हैं, तो फिर वो दूसरों का PM बनने का सपना कैसे पूरा कर सकते हैं। मायावती ने कहा कि इसके साथ ही जो पिछले लोकसभा आम चुनाव में BSP से गठबंधन करके भी यहाँ खुद 5 सीटें ही जीत सके हैं, तो फिर वो BSP की मुखिया को कैसे PM बना पाएंगे। इनको ऐसे बचकाने बयान देना बंद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं आगे CM बनूं या PM बनूं या ना बनूं, लेकिन मैं अपनी कमज़ोर उपेक्षित वर्गों के हितों में देश का राष्ट्रपति कतई भी नहीं बन सकती हूं। अब UP में सपा का CM बनने का सपना कभी भी पूरा नहीं हो सकता है। कांग्रेस में शामिल होने से इनकार करने के कुछ दिनों बाद चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा है कि पार्टी अपने दम पर पुनरुद्धार करने में सक्षम है और उसे उनकी ज़रूरत नहीं है। आज तक से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व और वो पार्टी के भविष्य की योजना के संबंध में कई बातों पर सहमत हुए थे, लेकिन वे इसे अपने दम पर कर सकते हैं। उनके पास इतने बड़े नेता हैं, उन्हें मेरी ज़रूरत नहीं है। उन्होंने पेशकश की और मैंने मना कर दिया। PK ने कहा कि मैं उन्हें जो बताना चाहता था मैंने किया। 2014 के बाद पहली बार पार्टी ने अपने भविष्य पर इतने सही ढंग से चर्चा की, लेकिन मुझे एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप के बारे में कुछ संदेह था जिसमें वो चाहते थे कि मैं इसका हिस्सा बनूं, जो बदलावों को लागू करने का प्रभारी होगा। दिल्ली सरकार ने चेताया है कि कोयले की कमी के कारण राजधानी में बिजली संकट पैदा हो सकता है। इस वजह से मेट्रो ट्रेन, अस्पतालों में बिजली की आपूर्ति बाधित हो सकती है। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने इस संबंध में एक आपात बैठक की है और केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा है। जैन ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो दिल्ली के सभी पावर प्लांट्स को कोयले की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करें, जिससे कि राजधानी में बिजली का संकट ना पैदा हो। जम्मू कश्मीर से लेकर बिहार, झारखंड, राजस्थान और आंध्र प्रदेश तक कई राज्यों में 2 से 8 घंटे के पावर कट लग रहे हैं और लोगों ने सोशल मीडिया पर इसे लेकर काफ़ी विरोध भी जताया है। जैन ने कहा है कि दिल्ली के पावर प्लांट कोयले की कमी का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार हालांकि पूरे हालात पर नज़र रख रही है और कोशिश की जा रही है कि लोगों को बिजली का संकट न झेलना पड़े। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर पड़ोसी देशों की यात्रा के क्रम में गुरुवार को बांग्लादेश पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात की। जयशंकर ने शेख हसीना को उनके भारतीय समकक्ष नरेंद्र मोदी की तरफ से नई दिल्ली आने का न्योता दिया। जयशंकर ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री शेख हसीना को उनके गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए धन्यवाद। प्रधानमंत्री मोदी की व्यक्तिगत शुभकामनाएं दी। दोनों नेताओं के मार्गदर्शन में हमारे द्विपक्षीय संबंध मजबूत से आगे बढ़ रहे हैं। वहीं बांग्लादेश ने भारत को पूर्वोत्तर राज्यों से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए चटगांव बंदरगाह के इस्तेमाल की पेशकश की है। भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में हर दिन तेजी आ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे के अंदर देश में कोरोना वायरस के 3,377 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान कोरोना के 2,496 मरीज ठीक हुए हैं और 60 मरीजों की मौत हुई है। फिलहाल देश में एक्टिव मामलों की संख्या 17,801 हो चुकी है।
रूस यूक्रेन के युद्ध के बीच पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने यूक्रेन का दौरा किया। दौरे के दौरान जब गुटेरेस राजधानी कीव में मौजूद थे, उस दौरान ही रॉकेट से हमले भी हुए। वहीं इस दौरान गुटेरेस ने रक्षा परिषद की आलोचना भी की और कहा कि काउंसिल यूक्रेन में युद्ध को टालने और अब युद्ध को समाप्त करने में विफल रही है। उन्होंने कहा, यह निश्चित तौर पर बड़ी हताशा, झुंझलाहट और गुस्से का कारण है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।